गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए, और अब तक के मेरे सारे काम फिनिश हो गए हैं लगभग। और क्योंकि जब काम करके हम लोग कहीं भी बाहर निकलते हैं तो आने पे हमें निश्चिंतता रहती है कि हमें कोई वर्क नहीं करने हैं, और सीधे मार्केट से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो क्योंकि मार्केट से आने के बाद थकान हो ही जाती है, और आज मैं आप लोग को जहाँ से मैं मार्केट करती हूँ कपड़े वगैरह का और बाकी चीज़ों का, तो मैं वहाँ आप लोग को लेके चलती हूँ। और इसका मैंने कभी इस तरह का मैं कभी अपने चैनल पे पब्लिश नहीं किया, तो मैं सोची कि लाओ करती हूँ। और जैसा होगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा है। और यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह फिनिश कर लिया है, बस हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं, मैं और बेटी। और उसके बाद फिर मैं आपको मॉल में मिलती हूँ। ओके, आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी जब भी घर से बाहर निकलिए तो मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस का जो चल रहा है महामारी, तो इससे थोड़ा सा उसे निजात मिलती है। और मैं अपने पर्स में सैनिटाइज भी रखी हूँ, हर थोड़े देर में मैं सैनिटाइज भी कर रही थी वहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आ गई कपड़े लेने, क्योंकि कुछ अपने लिए लेने थे सूट वगैरह गर्मी के, और बच्चों के लिए भी लेने थे, जो बाबू हर्ष है उसके लिए भी कुछ कपड़े लेने थे। तो मैं बाबू का ले ली हूँ, यहाँ पे मैं अपना सूट एक पसंद कर रही हूँ, और एक बहू का भी पसंद कर रही हूँ, और बेटी का भी, तीनों लोग का एक एक सूट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा सूट है, मैं किसी वीडियो में पहन के ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसा है। और बच्चों वगैरह का भी लेना था, जैसा आप लोग को पता है कि यहाँ पूजा मेरे घर में है, तो भाई पूजा के दिन तो सब नए वस्त्र या नए कपड़े ही पहनना होता है पूजा वगैरह में, तो इस तरह से ज़रूरी था भी मार्केट करना। और तो ये मेरा है, और रेड और ब्लैक में कम्बिनेशन, इसकी आस्तीन है अंदर, चाहे तो आप लगवा भी सकते हैं, मैं लगवाऊंगी इसको। और उसके बाद इस तरह से जो है यहाँ बहुत अच्छे मिल जाते हैं कपड़े, और मैं हमेशा यहीं से मार्केट वगैरह कपड़े वगैरह का मैं करती हूँ, अपने हुए चाहे बच्चों के हुए, बाकी घर में जितने भी लोग हैं मैं यहीं से उन लोगों का मार्केट करती हूँ, कपड़े वगैरह लेती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए, जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और काफ़ी थकान भी हो गई थी। और फिर कपड़े वगैरह चेंज करके हम लोगों ने चाय वगैरह पी, नाश्ता वगैरह किया, और ये फिर शाम का व्यू है, डिनर में बन रहे हैं छोले और भटूरे। तो और बाकी तैयारियां हम लोगों ने करके गई थी, बाकी कुछ था तो बहू ने इसको किया। और छोले का जो है मैं फुल वीडियो अपने चैनल पे मैंने पब्लिश किया है,
तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और ये भटूरा फिर तलारा है, और क्योंकि ये जब गर्म ही खाया जाता है तभी अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडा होने पर टाइट हो जाता है। और इसको ब्लैडर कम से कम अगर शाम को बनानी है तो दोपहर में इसको घोल के और रख लिया करिए, ज़्यादा नहीं, इसमें मैदा और दही लगता है, और अगर ज़रूरत है तो बेकिंग पाउडर इसमें हल्का सा डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर शाम को बनानी है तो दोपहर में ही इसको गूँथ के रख लिया करिए, तो अच्छा बन फूल जाता है और अच्छा रहता है। तो और उसके बाद फिर हम लोग का जो है थाली लग गया, ये रही हम लोग की थाली। और तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, छोला और भटूरा बहुत सॉफ्ट बने थे, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आप लोगों को, बहुत सॉफ्ट थे ये। और फिर हम लोग का डिनर वगैरह हो गया, क्योंकि डिनर करते वक्त काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग का, और 11 बज गए थे पीएम। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग का खाना पीना हो गया, और जैसा कि आपने देखा, और क्योंकि मैं थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पैर दर्द हो रहे थे, क्योंकि हम लोग 4-5 घंटे बाहर थे, और दोपहर में निकले और हम लोग इवनिंग तक आए, और पूजा वगैरह भी था, तो उसके भी पूजा के भी कुछ सामान वगैरह लेने थे जो पंडित जी ने लिखे थे। और इस तरह से था ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा ही है, छोटू सा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे उठ के आ गई हूँ, लाइट वगैरह जो है ऑफ करने, क्योंकि हॉल के लाइट और ड्राइंग रूम के लाइट जल रहे थे, तो उसको ऑफ करके फिर मैं आ गई हूँ दोबारा बैठने। और कैसा रहा ये मेरा छोटा सा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और तो चलिए फिर, और अगले वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से। ओके, बाय बाय।